हमारे कहने का अर्थ था भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि भोजन इतना स्वादिष्ट बना है, प्रभु सब ग्रहण कर लेंगे। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों की कितनी जल्दी सुनते हैं। देखिए, हमने भगवान का आह्वान किया और आपके सर पे नारियल नहीं गिरा। स्वप्न देखना था तो कुछ ऐसा देखते कि भारी सा चट्टान इनके ऊपर गिरा और इनकी चटनी बन गई। पूरी बात तो सुनिए गुरु जी, शिष्यों के कहने का अर्थ है स्वयं यमदूत, भगवान के दूत। आप आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। हम अभी आपके हाथ धोने के लिए जल लाते हैं। क्या सोच रहे हैं गुरु जी? पंडित रामकृष्णा को हमारे यहाँ, हमारे घर, हमारे निवास पर आने का न्योता भेजो। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? पंडित को निमंत्रण, वो भी यहाँ आने का? समय शिष्य हो, समय बड़ा बलवान, कभी मित्र शत्रु तो कभी शत्रु मेहमान। जिसने किया समय का सही उपयोग वही सबसे बड़ा बुद्धिमान। महाराज ने पंडित को क्या कार्य सौंपा है गुरुजी? आठ आठ मूर्ख ढूंढ निकालने का। तो राजगुरु होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि पंडित की कोई सहायता करें। एक आध मूर्ख तो हम भी डाल सकते हैं उसकी झोली में, वो यहाँ आएगा तो एक मूर्ख तो यहाँ हमारे घर में नहीं मिल जाएगा उसे। क्या बात कर रहे गुरुजी, आप स्वयं को पंडित को सौंप देंगे? मूर्ख गुरुजी, गुरु माता की बात कर रहे हैं, है ना गुरुजी? बिल्कुल सही समझे। पंडित यहाँ आएगा तो वरुण माला उसके सामने कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण हरकत अवश्य करेगी और पंडित को मिल जाएगा उसका पहला मूर्ख। और यदि ये हरकत नहीं करेगी तो हम करवाएंगे और वरुण माला बंदी, और हमें मिल जाएगा सदैव के लिए इस मूर्ख औरत से छुटकारा। भोजन का आनंद लीजिए गुरुजी। खाइए, दबा के खाइए। इतना पत्ती तीन तुष्ट गिरा हुआ इंसान है हमारा गुरु। अरे अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं छोड़ा इस पखंडी ने। इस हिसाब से आधे से अधिक विजयनगर को मूर्खता के अपराध में बंदी बना लेना चाहिए। वो सब जो इस पखंडी पर आस्था रखते उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? वो तो है। वो तो क्या है गुरु जी, प्रशंसा कर रहे हो ना हमारी तीक्ष्ण बुद्धि की? हाँ। वो तो है। जाओ जाके पंडित रामकृष्ण को हमारा निमंत्रण दो। जो आज्ञा गुरुजी। पंडित रामकृष्ण अब आएगा आनंद। क्या ठीक से घर के अंदर तो आने दो। बता रहा हूँ क्या हुआ राज दरबार में, होना क्या था सब अच्छा अच्छा ही हुआ। और अच्छा अच्छा क्यों? बस यूं समझो कि राज दरबार लगा ही मेरे लिए था। ये महाराज, ये मैं, ये मेरा पद, ये दरबारी, वो फूलों की वर्षा, वो जय जयकार, हर तरफ बस रामा 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 रामा। क्या है? हाँ ठीक है, थोड़ी सी समस्या हो गई। अब राज दरबार है, राज दरबार तो होता ही है समस्या के निपटारे के लिए, है ना? तो समस्या है तो निपटारा भी हो जाएगा, है कि नहीं, है ना? उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो, ये ऐसे नहीं बताने वाले कि वास्तव में आज दरबार में हुआ क्या। भगोने में क्या है, बहुत भूख लगी है, खा लूं। ठीक है, बता रहा हूँ क्या हुआ राज दरबार में। राज दरबार में हुआ यूं कि राज्य में आठ महामूर्ख ढूंढे जाए, यहाँ लाया जाए और सबके बीच बीच चौराहे पर सौ सौ कोड़े लगाए जाए। जाइए पंडित रामकृष्णा और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने आठ मूर्खों को लेकर आइए।
कुछ कहने वाली हूँ। अरे चक्र लगे है ना तुम्हारे ग्रह में, एक जगह पर हमें टिक कर बैठने ही नहीं देगा तू। दरबार में पहला दिन और यही कार्य मिला तुझे, मूर्ख ढूंढने का। ये असली में कोई पद मिला भी है तुझे या मूर्ख बना रहे हैं तेरा? अरे वो महाराज है अम्मा, महाराज। राज हट तो स्वभाव में लेकर पैदा हुए हैं, अब हट पकड़ कर बैठ गए कि आठ महामूर्ख ढूंढ कर लाओ कहीं से भी। अब किसी में साहस है महाराज के आदेश में मीन मेक निकालने की? जो है सो है, मूर्ख तो ढूंढने ही पड़ेंगे। वही तो, पर मूर्ख ढूंढेंगे कैसे? अब मूर्ख के माथे पे लिखा थोड़ी ना है कि वो मूर्ख है, और अगर मूर्ख ढूंढ भी लिया तो क्या वो मानने के लिए तैयार होगा कि वो मूर्ख है? कहिए, लोग तो स्वयं को चतुर और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। तेरा इशारा क्या मेरी तरफ है? तुझे ऐसा लगा? स्पष्ट रूप से। तू समझदार है लामा। कैसे? समझदार को इशारा ही बोलते है ना। अच्छा, अब हिंसा करने पर कौन विवश कर रहा है गुंडप्पे? यही समस्या है तेरी, तू मजाक नहीं समझता है। अच्छा, उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपना आवश्यक सामान उठा लो और चलो। कहाँ? पास के शरदगढ़ गांव में मेला लगा है, वहीं चलते। बहुत विशाल मेला है, तीन चार मूर्ख तो आराम से मिल जाएंगे, और जो बच गए उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं? अच्छा, मूर्खों का सम्मेलन रख लो, एक ही जगह पर सारे मूर्ख मिल जाएंगे, फिर चुन लो जितने मूर्ख चाहिए उतने। वाह वाह बढ़िया, अब तो सिर्फ पांच मूर्ख ही ढूंढने पड़ेंगे। पांच? हाँ, तीन तो मिल गए ना। कहाँ? ये क्या बैठे हैं मेरे सम्मुख? अब यदि किसी ने मुझे सुझाव दिया ना तो उठाकर राजमहल ले जाऊंगा और कर दूंगा महाराज के हवाले। सौ सौ कोड़े पड़ेंगे समझ लेना। हाँ चलो यहाँ से। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मूर्खों को ढूंढने का कार्य तुम्हें दिया गया, मेरा मतलब सलाहकार महोदय को दिया गया है, तो आप मुझे साथ लिए लिए क्यों घूम रहे हैं? बढ़िया, तो अब मुझे केवल सात मूर्ख ही ढूंढने पड़ेंगे। साथ क्यों? एक तो मेरे साथ ही विचर रहा है ना। आपका मतलब मैं? और नहीं तो क्या, वैसे मूर्खों वाले प्रश्न करोगे तो मैं तो यही समझूंगा ना, नगर में मुझे किसी को ढूंढना है तो कोतवाल को लेकर घूमूंगा या राजनर्तकी सौदामिनी को। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसे ही। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं। तो हंसे क्यों? बस ऐसे हंसी आई, हंस दिया। किस बात पर? अपनी मूर्खता पर। बढ़िया, अपनी मूर्खता पर हंसना बुद्धिमता की पहली पहचान है, अर्थात आप मूर्ख तो नहीं है। चलिए चलिए। कैसे हैं मान्यवर? अच्छा हूँ, आप कौन? जी मैं पंडित रामकृष्ण, महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का विशेष सलाहकार, और ये मेरे साथ नगर के कोतवाल। अरे नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बस हम इस दिशा में जा रहे थे तो सोचा आपके साथ थोड़ी वार्तालाप करके समय व्यतीत किया जाए। एक बात बताइए बंधु, आप इस गधे पर तो बैठे हैं, फिर ये गठरी सर पर क्यों रखी है? मान्यवर, मेरा गधा बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी, मैं इस पर अधिक बोझ देना नहीं चाहता, इसलिए इसका बोझ कम करने के लिए मैंने गठरी सर पर उठा रखी है। अब इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ ना, वैसे भी पिछले जन्म का ऋण इस जन्म पर चुकाना पड़ता है। ऋण? कैसा ऋण भाई? ये गधा पिछले जन्म में मेरे पिताजी थे। अच्छा, हो परंतु बंधुवर, आपको कैसे पता कि ये गधा पिछले जन्म में आपका पिता था? मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, गधे के बच्चे, लगता है तेरा बोझ मुझे अगले जन्म तक उठाना पड़ेगा। और जैसे मेरे पिताजी का देहांत हुआ, ये पैदा हुआ, और तब से लेके अब तक मेरा बोझ उठा रहा है। अब आप ही बताइए, ये मेरे स्वर्गीय पिता के अलावा कौन हो सकता है? सही भैया, सही है, तू गधे की संतान है। आप एक काम क्यों नहीं करते बंधुवर, अगले रविवार सायंकाल आप राजमहल क्यों नहीं चले आते? मैं आपकी महाराज से भेंट भी करा दूंगा और आपको कुछ उपहार इत्यादि भी दिलवा दूंगा। मैं राजमहल? हाँ क्यों नहीं, राजा से भेंट भी होगी। बिल्कुल, उपहार भी मिलेंगे। अवश्य मिलेंगे। मैं अवश्य आऊंगा, रविवार को मैं राजमहल अवश्य आऊंगा। अवश्य आइएगा बंधुवर। हाँ हाँ आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अब एक तो मिल गया, अब आगे आगे बाकियों को ढूंढना है। चले चलो।
नहीं, मेरा मतलब चलिए मान्यवर, आइए आइए। यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ सबके सब समझदार और चतुर सुजान मालूम पड़ते हैं। हम ही मूर्ख हैं जो इन समझदारों के बीच में मूर्ख ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप अब क्या, चलिए आगे चलिए। हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्या यहाँ कोई मूर्ख मिलने वाला है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब मान्यवर की, क्या यहाँ कोई मूर्ख मिलने वाला है क्या? हाँ, प्रार्थना पत्र लिखकर बुलाया है मुझे कि मैं मूर्ख हूँ, यहाँ मिलूंगा, आओ मुझसे मिल लो यहाँ आकर। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब वही था कि अब कोई मूर्ख स्वयं पत्र लिखकर तो कहेगा नहीं कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा वहाँ मिलूंगा, तो निश्चित ही आप मूर्ख की खोज में आए हैं, है ना? यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है, हिल भी नहीं रहा है, जीवित भी है या चल बसा? आइए उसी से पूछते हैं, अब तो वही बताएगा ना कि वो जीवित है या उसका शव खड़ा है वहाँ पर। हाँ भाई, तो लेकिन बन गया होता है तो खड़ा कैसे होता, शव खड़े थोड़ी ना होते हैं, तो जीवित ही होगा। हाँ अरे नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं, तो चलिए। अच्छा चलिए, धीरे धीरे। क्या हुआ मित्र, ऐसे पानी में क्यों खड़े हो? पक्षी शोध लेने के लिए खड़ा हूँ मैं। किससे? है एक मछली, सुबह काट कर भाग गई थी, सुबह तो जल्दी में था तो कुछ नहीं कर पाया, अब आया हूँ बदला लेने, छोड़ूंगा नहीं, शोर मत करना वरना भाग जाएगी। अच्छा एक बात वो बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि जिससे आप अपना प्रतिशोध ले रहे हो ये वही मछली है जिसने सुबह आपको काटा था? अरे मछली को तो पता होगा, इतना काफी नहीं है? नहीं नहीं काफी है, फिर भी पूछ लेता हूँ, प्रश्न ये है कि आप अपना प्रतिशोध लेंगे कैसे यदि मछली पकड़ में आ गई तो? इसे पानी में डूब डूब के मार दूंगा उसे। आपका नाम क्या है महोदय? चतुरन्ना। पंडित का मिल गए उसे उसके मूर्ख? मिल ही जाएंगे प्रभु, मूर्खों की आखिर क्या कमी है संसार में, तीन तो यहीं बैठे हैं। क्या? दो मूर्ख तो यहीं बैठे हैं जो आपको अपना गुरु बनाए बैठे हैं, मतलब गुरु जी हम आप जैसे महान गुरु का महत्व ही नहीं समझते हैं। और तीसरा मूर्ख? आप गुरु जी, जिसने हम जैसे मूर्खों को अपना शिष्य बना रखा है, अन्यथा कौन पूछता हम जैसे ना समझ निर्बुद्धि बेवकूफ लोगों को। अच्छा ऐसे आ रहे हो, तब ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें अचानक ये घबराहट का अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनिष्ट घड़ी आ रही है। आ तो रही है गुरुजी। कहां से? वहां से। मर गए सत्यानाश। प्रभु प्रभु, हमने अभी अभी स्वप्न देखा। फिर से? जी स्वामी। क्यों? वो तो पता नहीं क्यों पर आया तो हमने देख लिया, नहीं तो इस बार जो स्वप्न में देखा आप सुनेंगे तो प्रसन्नता से संभवतः हमसे दोबारा विवाह कर बैठेंगे। ऐसी ऐसी बातें कर रही है पगली, ऐसा कैसे हो सकता है भला, हम इतने विक्षिप्त कैसे हो सकते? तुम
अपना वो स्वप्न के बारे में बताओ, क्या देखा? बताइए ना गुरु माते, अब नया क्या देख लिया आपने स्वप्न में? बहुत दिन हुए गुरु जी को व्रत उपवास रखते हुए नहीं देखा, बहुत दिन हुए बिना बैठे बिना लेटे बिना सोए घंटों विचरण करते हुए नहीं देखा, मंदिरों में टन घंटी बजाते हुए नहीं देखा, मंत्रों उच्चारण करते हुए नहीं देखा, बताइए ना गुरु माता क्या देखा? जल्दी बताओ इस बार स्वप्न में तुमने क्या देखा? बारिश प्रभु, बारिश विपत्तियों की, धन की वर्षा प्रभु, धन की वर्षा। मैंने स्वप्न में देखा कि पीछे खजाना गड़ा है। आपके पीछे नहीं स्वामी, हमारे घर के पिछले भाग में खजाना गड़ा हुआ है। घर के पिछले भाग में तो बरगद का पेड़ है 200 साल पुराना। हाँ, तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा होगा। आप चलिए स्वामी। कहाँ चलिए? अपने शक्तिशाली हाथों से उस बरगद के पेड़ को उखाड़िए और वो खजाना निकाल लीजिए। अच्छा, पेड़ को उखाड़िए खजाना निकाल लीजिए? मूली है क्या उखाड़ी और खा लिया? बरगद का पेड़ है 200 साल पुराना, ऐसे कैसे उखड़ जाएगा? वैसे ही स्वामी, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा के लिए औषधिपूर्ण संजीवनी पर्वत उठा लिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। उठा लीजिए स्वामी अपनी छोटी सी उंगली पर उस बरगद के पेड़ को। तो आप बरगद का पेड़ उठा लीजिएगा और आपके ये शिष्य खजाना निकाल देंगे। उसमें क्या है? उसी में क्या है प्रभु? आप है प्रभु, आपके लिए क्या असंभव है? चलिए स्वामी चलिए। अरे कहाँ चलिए? चलिए चलकर उस पेड़ को उखाड़ दीजिए, हमें भी अपने स्वामी की असीम शक्ति का प्रदर्शन देखना है। चलो तुम भीतर जाओ, कृपया भीतर जाओ, जाओ। शिव 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 शिव, क्यों इस तरह से हमारे सामने हाथ जोड़कर हमारे लिए नर्क का द्वार खोल रहे हैं स्वामी? वैसे ही चले जाते हैं। कितने महान है हमारे स्वामी, धन वैभव का लेश मात्र भी लोग नहीं है। भला बताओ इतना बड़ा खजाना यूं ही जाने दिया? धन्य है आप स्वामी, धन्य है, प्रभु। किस बात का दंड दिया ये मुझे, क्या करूं? वो पंडित को निमंत्रण देने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? कहां है पंडित? दादा तब से ला देख रहा हूं तेरी। क्यों? तुझे बताने के लिए कि पूरे घर में मुझसे बड़ा समझदार और तो ही नहीं है। अच्छा कैसे? तूने कहा था ना कि बोले वर्णमाला स्मरण कर लिया, मैंने तल दी, बोले एक सांस में सुना सकता हूँ। सच? ये तो तुच्छ भी नहीं है, मेरे विषय की गणित के साली प्रश्न के साली उत्तर मैंने हल तल दिए। अब तो तू मानता है ना कि मैं समझदार हूँ, मूर्ख नहीं? हाँ हाँ गुंडप्पे मानता हूँ ना। दादा मेरा काम तो हो गया, अब चलता तेली वाली। उठा लो। क्या उठा लो? अरे एक एक सब्जी उठा कर देख लो, सारी ताजी और साफ है। हम स्वयं अपने हाथों से छाट कर लाए हैं, और वो भी सही मोल भाव करके। सब्जी वाला तो आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा इतनी बुद्धिमान और चतुर गृहिणी उसने आज तक नहीं देखी। बोलो। जो इतने अच्छे से मोल भाव कर ले। हे भगवान तूने मुझे इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? हो गया? नहीं, अभी तो अपनी बुद्धिमानी का श्रेष्ठ उदाहरण देना बाकी है। अच्छा। सब्जी से जो पैसे बचे उस धन को मिला के हमने चूड़ियां खरीदी। हाँ। और चूड़ी वाले से हमने कहा कि ये चूड़ियां पहनकर हम महल जाएंगे रानियों से मिलने। अच्छा। क्या था, उसने सारी चूड़ियां हमें आधे मोल में दे दी। अरे वाह। हे भगवान तूने हमें इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? ये तुम पहले बोल चुकी हो, दोहराने में क्या जाता है? दोहरा। हमारा हो गया, अब तुम बोलो। कुछ समझा रामा, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता है ताकि मैं इन्हें मूर्खों की श्रेणी में गिनकर बंदी बनाकर राजा के हवाले ना कर दूं। अच्छा तू थोड़ी देर शांत बैठ और मजे लेने दे मुझे। कह रही है कि तुमने जो इन्हें 500 बार माला जपने को कहा था, इन्होंने एक ही पहर में 250 बार माला जप ली। इस गति से तो 12 वर्षों का जाप 12 महीने में ही समाप्त कर देंगे। वाह क्या गति है, क्या बुद्धिमानी है। वाह 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 माँ वाह। कह रही है ये तो कुछ भी नहीं है। आज इन्होंने भोजन में सारे व्यंजन आपके पसंद के बनाए हैं, और वो भी अपने हाथों से। उनको सारे व्यंजन की विधि कंठस्थ है। कोई विलक्षण बुद्धि ही इतने सारे व्यंजनों की विधि स्मरण रख सकती है, वो भी इस उम्र में। क्या बुद्धिमानी है। ये तुम पहले बोल चुकी हो शारदा। ये बोलने में क्या जाता है? अच्छा तो मानते हैं ना अम्मा बुद्धिमान है? हाँ निसंदेह मानता हूँ। मानना ही है, बुद्धिमान अम्मा का बुद्धिमान पुत्र।
निश्चिंत हो जाइए, आप भी बच गई। आप भी बच गई मतलब? पूछ रही है कितने मूर्ख ढूंढ लिए और कितने मूर्ख ढूंढने बाकी हैं? अभी तो दो ही मिले हैं, बाकी और ढूंढने हैं। पर जब मूर्खता करने वालों की कमी नहीं तो मूर्खों की कमी कैसे होगी? अम्मा हृदय से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो मूर्ख ठहरे, वो भी मिल जाएंगे। उठा लो। क्या उठा लो? कह रही है कोई भी मूर्ख उठा लो, पर घर के बाहर ढूंढना, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर तो नजर भी मत डालना, वो तो आप स्वयं जानते हैं, घर के अंदर तो कोई मूर्ख है ही नहीं, सभी बुद्धिमान है। वही तो, इतना बुद्धिमान परिवार होगा किसी का जैसा मेरा है? अरे एक तो बच्चा है ही, बाकी दोनों भी बड़े नहीं हुए, बोलो। हम समझे नहीं। अरे बच्चों वाली बात है ना, बुद्धिमानों को कहाँ से समझ में आएगी। है? अब अगर कुछ खाने को है तो खिला दो, बड़ी भूख लगी है, बहुत बड़ा काम करना बाकी है और छह मूर्खों को ढूंढना है अभी। भगवान जाने वो तीसरा मूर्ख कहाँ प्रतीक्षा कर रहा होगा मेरी। हे भगवान। यदि मूर्खों की बजाय बुद्धिमानों को ढूंढने का लक्ष्य होता तो ये कार्य आपका क्षण भर में हो जाता। वो कैसे? अरे हम है ना, और हमारा विभाग एक से एक चतुर अधिकारी, एक से एक सुजान दरोगा और एक से बढ़कर एक सिपाही, और ऊपर से हम बुद्धिमता की पूरा पूरा टकसाल। अच्छे अच्छे शातिरों को हमने कारागृह की हवा खिला दी, एक बार जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं। नहीं, नहीं, मेरा मतलब कि हर बार हमारी ही नहीं चलती, कभी कभी हमसे भी बुद्धिमान और चतुर लोग आ जाते हैं जो हमें ही मूर्ख बना के निकल जाते हैं हमारे हाथ से, जैसे कि आप। कैसा मूर्ख पुत्र दिया है ऊपर वाले ने। अरे क्या करूं मैं इसका, एक पुत्र और वो भी मूर्ख। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हे भगवान, कौन से पापों का दंड दिया है तूने मुझे। अरे देख कैसे रहा है तू मुझे, हाँ निर्लज्ज कहीं का, खाएगा क्या मुझे। क्या हुआ माई, आप अपने पुत्र को इस तरह क्यों कोस रही हैं? अरे कोसू रही तो और क्या करूं, कितना मूर्ख है ये, ढेले की भी अकल नहीं है। अरे विश्वास न होना तो खुद ही पूछ कर देख लीजिए। अच्छा अच्छा आप शांत हो जाइए, मैं आता हूँ, आता हूँ। आइए आइए। मेरे छोटे से मित्र, ये बताओ एक और एक कितने होते हैं? 11। संसार में सबसे शुद्ध भावना कौन सी है? घृणा। हमारे राजा कौन? भगवान। देखा देखा आपने, अपने इस मूर्ख की मूर्खता की पराकाष्ठा। अरे इस करम जले को इतना भी नहीं पता कि हमारे सम्राट राजा कृष्णदेव राय है। अरे क्या करूं मैं ऐसी मूर्ख संतान का। और तो और कल तो इसने अपनी मूर्खता की सारी सीमाएं लांघ डाली। अरे पानी मांगा था मैंने पीने के लिए, जब तक ये लाता मेरी आंख लग गई, और ये मूर्ख सारी रात मेरे सिरहाने पानी का बर्तन लिए खड़ा रहा। माई आप अगले रविवार अपने पुत्र को लेकर राजमहल आ सकती हैं? राजमहल? वो क्यों? शायद महाराज के दर्शन से इसका भविष्य बन जाए। महाराज के दर्शन के सौभाग्य का अवसर कौन छोड़ सकता है, हम अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हैं माननीय, हमने आपकी खोज में पूरा नगर छान मारा, अब चलिए। कहाँ चलिए? हमारे गुरुजी ने याद किया है आपको। तो चलिए। और यदि मैं मना करूँ तो? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, यहाँ हमें मना करने का साथ किसी को नहीं। धमकी? हाँ बिल्कुल, जब हम आपके पैर पकड़ लेंगे और पैर पकड़ के तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते, और जब आपके पैर पकड़ेंगे फिर तो आपको चलना ही पड़ेगा ना। चलिए महोदय, हमारे साथ चलिए, कृपा करके चलिए। अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो हमारे गुरुजी खाल खींच लेंगे और हमारे अंदर भूसा भर देंगे। आप चलिए, दया करके चलिए। छोड़ो
दो मूर्ख तो यही मिल गए। हाँ। अब चले, कहाँ चलना है? हाँ। देखा, कहा था ना हमने, यहाँ कोई हमें मना नहीं कर सकता। चलिए चलो चलो चलिए चलिए। प्रिय, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? आपने हमें प्रिय कहा? हाँ कहा। स्वयं हमारे भगवान ने हमें प्रिय कहा? हाँ कहा। मेरे पति परमेश्वर ने विवाह के इतने सालों में पहली बार हमें प्रिय कहा। बिल्कुल कहा। धन्य हो गए हम स्वामी, धन्य हो गए। प्रिय, तुम हमें बहुत प्रिय हो। हाँ। आखिर अर्धांगिनी हो हमारी, धर्म पत्नी हो। अब तुम्हें प्रिय नहीं कहेंगे तो किसे प्रिय कहेंगे पगली? हे प्रभु, हमें इस खुशी को सहन करने की शक्ति दे। इतनी खुशी में हमारे प्राण ही ना निकल जाए स्वामी। हम आज इतने खुश हैं, आज ही हम प्रतिज्ञा करते ना, 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 ना। आज कोई प्रतिज्ञा नहीं, आज कुछ नहीं। संभवत है आज के बाद तुम्हें प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही न रहे। क्यों स्वामी? अतिथि जो आ रहे हैं हमारे घर। अतिथि? पंडित रामकृष्णा। वो क्यों? तुमसे मिलेगा तभी तो तुमसे हमारे प्राण छूटेंगे। जी? नहीं, हमारा कहने का अर्थ है कि हम उसे बताना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं कि आज के युग में भी तुम जैसी पवित्र नारी, तुम जैसी समर्पित जीवन संगिनी, तुम जैसी आदर्श धर्म पत्नी भी होती है। परंतु भगवान, अभी तो हम आपकी दीर्घायु के लिए मंदिर जा रहे थे। अतिथि सत्कार से बड़ी पूजा और क्या होगी? छोड़ो, कल चली जाना मंदिर, आज अतिथि सत्कार का धर्म पूरा करो। भीतर जाओ और कुछ जलपान का प्रबंध करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम कौन और हम कौन? हम होंगे पंख फड़फड़ाते हुए स्वतंत्र पक्षी। शीघ्र अपनी चाल चले और खेल समाप्त करें। अरे जरा रुकिए छोटी महारानी जी, बड़ी महारानी जी को जरा सोचने का समय तो दीजिए। अरे इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे खाने खाली पड़े, कोई भी मोरा उठाइए, कहीं भी रख दीजिए। छोटी महारानी जी, ऐसे नहीं होता है, ये शतरंज का खेल है, सोच समझ के चाल चलनी पड़ती है इसमें। चाल चलने में इन्हें सोचने की क्या आवश्यकता है? चाल चलने में तो माहिर है ये, सुबह से शाम तक इनका कार्य क्या है सिवाय चाल चलने के? महाराज चलिए छोड़िए ना ये सब, हमने आपके लिए विशेष व्यंजन बनाया है, करेले का हलवा और धनिये का अचार। क्या बनाया है? करेले का हलवा और धनिये का अचार। ऊपर से केले के छिलके का जो मुरब्बा बनाया है ना, उसे आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी। हम जाकर अभी खाना लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे आने तक ये खेल समाप्त हो जाना चाहिए। आए, आओ, 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 पंडित रामकृष्ण, आओ आओ, स्वागत है आपका, स्वागत है। पिछली बार जब आपका हमारे निवास स्थान पर आना हुआ था तो सेवा सत्कार नहीं कर पाए आपका, तो सोचा बुलाकर अपनी भूल को सुधार लिया जाए और आपके द्वारा किए गए अतिथि सत्कार का ऋण चुका लिया जाए। ओ भाग्य आचार्य, ओ भाग्य, महान राजगुरु तथाचार्य के निमंत्रण का सौभाग्य तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है भाई।
इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद आचार्य, किंतु आप भूल रहे हैं कि मेरा यहाँ आना दूसरी बार नहीं तीसरी बार है, है? तभी की बात कर रहे हैं आप, जब आपने हमारा सब कुछ लुटवा लिया था, हमारे घर पर डाका डलवा दिया था मल्लू देवा से, हैं? जी। कोई बात नहीं, हम तो उसे कब का भूल चुके हैं। हाँ। आप भी भूल जाइए। हाँ। उसमें किसी की त्रुटि नहीं थी, परिस्थितियां ही ऐसी थी। सच बात तो ये है कि असल में हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। हाँ। अन्यथा इतने बुरे नहीं है हम। कितना बुरा है ये, इसका हिसाब तो नर्क की गणित तक के भी नहीं लगाए पाए होंगे। अरे गिनती कर रहे होंगे इसके कुकर्मों की, पर गिनती होगी कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही होगी। बुढ़ों ने पाप ही बहुत किए। अरे शिष्यो। जी गुरुजी। जाओ जाके गुरु माता से कहो कि अतिथि के लिए कुछ जलपान लेकर आए। जी गुरुजी, अभी बुला के लाता हूं। चल विराजी विराजी। कैसी चल रही है आपकी खोज, मिला कोई मूर्ख या? मिल जाएंगे आचार्य, एक मूर्ख ही तो है जो छुपाए नहीं छुपता, सामने ही होता है, बस परखने की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ बात तो सही है, सामने होते हैं बस पहचान ना होता है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई संकोच कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए इस मामले में। जहाँ मूर्ख मिले दबोच लो, बंदी बना लो, ये नहीं सोचना कि किसकी पत्नी है किसका पति है। कर्तव्य है तुम्हारा। सही कहा ना? इन्हें तो पहचान ही गए होंगे आप, ये है हमारी धर्म पत्नी वरुण माला। प्रणाम देवी। दीर्घायु भव, लीजिए जलपान ग्रहण कीजिए। जी धन्यवाद। अरे वरुण माला, अपने स्वप्न के बारे में इन्हें बताओ। स्वप्न? हाँ, बड़ा कमाल का स्वप्न देखा हमारी धर्म पत्नी ने। बताओ ना अपने स्वप्न के बारे में, इन्हें भी बताओ। बता दे। ये बाहर के थोड़ी ना, अपने ही है। बताओ। अपने ही? हाँ, किंतु आपने तो कहा था कि ये कुटिल है, क्रूर है, कुकर्मी है। क्या कहा हमने? कैसी बातें कर रही हो, कुछ भी तो नहीं कहा हमने। हमने हमने क्या? और ये भी कहा था कि कुछ नहीं कहा हमने। सुनती कुछ और है, समझती कुछ और है, विचित्र है। हमने किसी और के बारे में कहा, समझ गई आपके बारे में। अच्छा जाने दीजिए, भाग्यवान एक काम करो, अपने स्वप्न के बारे में इन्हें बताओ। जो आज्ञा स्वामी। हमने अपने स्वप्न में देखा कि हमारे घर के पिछले भाग में बहुत बड़ा खजाना खड़ा हुआ है, जबकि वहाँ 200 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा है। और इन्हें स्वप्न आता है कि उस वृक्ष के नीचे खजाना खड़ा है। और देखिए क्या कहते हैं हमारी महाबुद्धिमान धर्म पत्नी, कहती हैं कि हम उस वृक्ष को उखाड़ें, अपनी एक उंगली पर उठाएं और हमारे शिष्य धनी मनी वहां से खजाना निकाल लें। अब बताइए, आपने सुनी है ऐसी मूर्खतापूर्ण बात? इससे पहले हमारी तो हंसी नहीं रुकी जब से हमने इनकी स्वप्न वाली बात सुनी है। देखा आपने पंडित रामाकृष्ण, कितने बड़े हैं हमारे स्वामी भौतिक संसार से, धन ऐश्वर्य वैभव, किसी के प्रति कोई लालच कोई मोह नहीं, बस अपनी ही प्रभु भक्ति में लीन एक विशुद्ध आत्मा। अब आप ही बताइए, ऐसे महाज्ञानी सतपुरुष के आगे हम सभी मूर्ख नहीं हुए? देखिए ना किस तरह से हंस रहे थे हम पर। धन्य है हम प्रभु, धन्य है। Ha ha ha!
इसमें हंसने वाली क्या बात है आचार्य? संभवतः आपको अपनी धर्मपत्नी में एक मूर्ख दिखाई दे रहा है, किंतु जहां से मैं देख रहा हूं मुझे तो उनमें आपके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं तो उनके आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास का मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा आचार्य, कि जो उन्होंने स्वप्न देखा बेझिझक आकर आपको बता दिया, क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके पति देव कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी संभव है आचार्य। आपको तो आपके प्रति उनकी भक्ति भाव और अपूर्व श्रद्धा की भावना के आगे नतमस्तक होना चाहिए आचार्य। आस्था और श्रद्धा बहुत ही पवित्र भावनाएं होती हैं, उनका कभी परिहास मत उड़ाइए, क्योंकि जब तक ये भावनाएं इनमें हैं तब तक आप हैं। ये नहीं तो आप भी नहीं। आ गया गुरुजी। और हाँ आचार्य, क्षमा कीजिएगा, आपको सिखाने के लिए अभी बहुत छोटा हूं आपसे, किंतु एक बात अवश्य करूंगा आचार्य, कि जो पुरुष अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करना नहीं जानता उसे पुरुष कहलाने का भी अधिकार नहीं है। मेरे संस्कार में तो जिस घर में एक स्त्री का सम्मान नहीं होता वो घर शवगृह होता है। देवताओं का आशीर्वाद भी उस घर को ही मिलता है जहां स्त्रियां पूजी जाती हैं। संभवतः आप भूल गए आचार्य कि जब कभी भगवान को भी मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा उसे भी हर बार एक स्त्री के गर्भ से ही आना पड़ा, और कोई विकल्प था ही नहीं उनके पास। और तो और, जिस भगवान की आप, मैं, हम सब आराधना करते हैं वो भी एक स्त्री है, स्वयं देवी मां, मां काली। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना सीख लीजिए गुरुवर, आपके आधे पाप वैसे ही क्षमा कर दिए जाएंगे। महाराज, हमें थोड़ा समय और दीजिए। लीजिए लीजिए, आप जितना समय चाहिए उतना लीजिए, हमें कोई शीघ्रता नहीं है। वैसे भी हमारी भूख थोड़ी मरसी गई है अब। वो तो हम समझ रहे हैं प्रभु, परंतु जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि आजकल आपके राज दरबार में हो क्या रहा है। हम समझ पा रहे हैं आप किस तरफ संकेत कर रही है बड़ी महारानी जी। पंडित रामकृष्ण को मूर्खों को ढूंढने का जो आदेश हमने दिया है वो तर्क संगत नहीं है, संभवतः उसे किसी सीमा तक पागलपन भी कहा जा सकता है, किंतु हम करते भी तो क्या करते हैं। राजमहल के मूर्खों ने हमारी मनोदशा इतनी अस्त व्यस्त कर दी थी कि हम क्रोध में आ गए और हमसे ऐसा आदेश निकल गया। अब ऐसा आदेश निकल गया तो निकल गया, महाराज है वापस भी तो नहीं ले सकते हैं। आदेश दे दिया ठीक है, पर आपने रामकृष्णा को उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी, और स्वतंत्रता भी इस बात की कि वो कहीं से भी कोई भी मूर्ख ढूंढ सकते हैं। क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं स्वामी कि जब तक रामकृष्णा का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक महल के कुछ लोगों को उनकी दृष्टि से बचा कर रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ख की श्रेणी में रामा के हाथों बंदी बना लिए जाए। बस किसकी बात कर रही हैं आप? अयो हमारी। आपने सुना भी है
कि हमने कहा क्या है? अब इस पे सुनने की आवश्यकता भी क्या है? आपके पास हमारे विषय में बात करने के अतिरिक्त और कोई विषय भी है? अब ईश्वर ने हमें इनसे अधिक सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक बनाया है, तो इसमें हमारी क्या त्रुटि है? आपको हम एक सलाह दे? जी जी दीजिए सलाह। कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रामकृष्ण की दृष्टि से बचा के रखिएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। जहाँ मूर्ख मिला नहीं कि बद्दी बनाया नहीं, चाहे वो महल की दासी हो या फिर महारानी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज, कब प्रस्तुत कर रहे हैं रामकृष्णा आपके समक्ष 8 मूर्खों को? कल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.